आज का टॉपिक हमारा है वैल्यूएशन एंड इश्यू ऑफ मटेरियल। इसके अंदर देखिए क्या होता है, हमारे पास जब मटेरियल हम परचेज करते हैं तो हम कंटिन्यू जब मटेरियल परचेज करते हैं तो उसकी रेट इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है। अब नॉर्मल फैक्ट्रीज के अंदर एक स्टोर डिपार्टमेंट होता है जो मटेरियल को परचेज करके अपने पास स्टोर करता है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, जब भी उसे मेटल की ज़रूरत होती है तो वो उससे कॉल करता है। तो स्टोर डिपार्टमेंट हमेशा उसको मेटल इशू करता रहता है। अब जब वो उसे इशू करेगा तो इशू वो किस रेट पे करेगा, ठीक है? जब रिसिप्ट होता है तो आपको पता है प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, तब जब इशू करेगा तो वो किस रेट पर इशू करेगा, और जो उसके पास बैलेंस स्टॉक बचेगा उसकी क्या रेट है वो हमें पता होना चाहिए। उसके लिए क्वेश्चन में आपको स्टोर लेजर बनाने के लिए कहेंगे। स्टोर लेजर अकाउंट बनाया जाता है जिसके अंदर वो पूरा रिकॉर्ड रखता है स्टोर, कितना मेटल आपके पास आ रहा है, कितना आपने इशू किया, कितना बैलेंस बचा, उसमें थोड़ा बहुत शॉर्टेज या वेस्टेज भी होता है, वो सारे रिकॉर्ड्स वो स्टोर लेजर में रखता है। अच्छा, मेटल का जब रिकॉर्ड्स रखा जाता है तो वो दो तरीके से रखा जाता है, एक तो पीरियोडिक सिस्टम और एक परपेचुअल सिस्टम। देखो परपेचुअल सिस्टम में क्या होता है, डेट वाइज एंट्री होती है, किस डेट को हमारे पास आ रहा है, कब हमने इशू किया, कितना बैलेंस बचा। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, जैसे वीकली हो या मंथली हो या 15 डेज में भी हो सकता है या 6 मंथ भी हो सकता है, उसके बाद वो चेक करते हैं कि हमारे पास मेटल कितना बैलेंस है और उसका वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है? तो पहले हम पीरियोडिक सिस्टम बाद में देखेंगे, पहले हम देख रहे हैं परपेचुअल सिस्टम जिसमें डेट वाइज आपकी एंट्री होगी। चलिए, अब सबने आपने नाम सुन रखा होगा, जब भी हम इशू करते हैं तो कुछ मेथड्स फॉलो करते हैं, फीफो लीफो। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपके पास पहले आएगा आप उसे पहले इशू करेंगे। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आपके पास आया है आप सबसे पहले उसे इशू करेंगे। और एक होता है एवरेज मेथड, एवरेज में एक सिंपल एवरेज होता है जिसमें प्राइस के एवरेज लगाते हैं, एक वेटेड एवरेज होता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके आगे दो तीन मेथड और हैं, जैसे हीफो हाईएस्ट प्राइस इन फर्स्ट आउट, जो हाईएस्ट प्राइस होती है उसे सबसे पहले अपन इशू करते हैं। एक स्टैंडर्ड प्राइस मेथड भी होता है, बेस स्टॉक मेथड भी होता है। तो वो अलग अलग मेथड है जिसमें हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं फीफो मेथड। तो उसके लिए आप एक बार क्वेश्चन जो है उसे देखिए। क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है आप उसे एक बार पहले कॉपी कर लें, ताकि जब अपन क्वेश्चन करें तो उसमें फिर आपको वैल्यूज पता रहे आप कहाँ से उसे ले रहे हैं। तो एक बार आप पहले क्वेश्चन को देख के कॉपी कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन आप इसका वैल्यूएशन एंड इश्यू ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है, आप इसे साथ साथ कॉपी कर लीजिएगा ताकि जब अपन सॉल्यूशन करें तो ये चीज आपके सामने रहे। प्रिपेयर ए स्टोर लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शोइंग द इश्यू ऑफ मटेरियल। आपको स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है और मेथड फॉलो करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक सेकंड है लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपको ये क्वेश्चन फीफो और लीफो दोनों से सॉल्व करना है। आपको अलग अलग डेट का रिसिप्ट गिवन है, 3 जनवरी को रिसिप्ट हुआ था 2001 का, फिर 5th को, 10th को, अलग अलग अमाउंट का हुआ था, साथ में इशू भी हुआ था। तो जब डेट वाइज एंट्री करेंगे तो पहले 3rd की एंट्री करेंगे, 2000 परचेज किया है, फिर इशू किया है 4th को 500, फिर 5th की एंट्री होगी, फिर 7th की, फिर 10th की, फिर 15 की, फिर 20 और 25। तो ये अलग अलग रेट पे आपको यूनिट्स गिवन है कि हमने कितना रिसिप्ट और किस रेट में किया है, और इशू की डेट और क्वांटिटी गिवन है। इनका अमाउंट हमें कैलकुलेट करना होता है फीफो और लीफो बेसिस पे। तो पहले आप ये क्वेश्चन कॉपी करें और उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो पॉज करके आप एक बार इसकी कॉपी कर लीजिए।
देखिए जैसा कि अपन ने क्वेश्चन के अंदर देखा, हमारे पास रिसिप्ट का डेट गिवन है और क्वांटिटी और रेट गिवन है और इशू का भी हमें क्वांटिटी गिवन है। तो हम स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले क्वेश्चन में आप यहां पर लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो अगर ओपनिंग बैलेंस होता तो अपन यहां डेट डाल के रिसिप्ट में भी लिख सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल अपन डायरेक्ट बैलेंस यहां लिखते हैं ओपनिंग। लेकिन इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ नहीं था। आगे देखिए, आप 3 जनवरी को आपके पास रिसिप्ट हुआ है 2000 और उसकी रेट है 1 रुपीज। तो ये 3 जनवरी 2017 को आपके पास 2000 रिसिप्ट हुआ है और रेट आपकी 1 रुपीज है। इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2000 आ जाता है। ठीक है, आ रहा है तो रिसिप्ट में लिख देंगे। अच्छा, इस डेट को आपने कोई अमाउंट इश्यू नहीं किया है तो बैलेंस क्या बचा? ये जो रिसिप्ट हुआ यही बैलेंस है आपका। तो ये बैलेंस आपका कितना है, देखिए 2000 यूनिट्स है, 1 रुपीज रेट है और ये आपका 2000। ठीक है, ये हमारे पास रिसिप्ट हुआ था, इश्यू हमने कुछ किया नहीं तो ये बैलेंस बच गया। उसके आगे देखिए, आपको 5th को फिर रिसिप्ट हो रहा है, लेकिन उससे पहले आप इशू में देखिए 4th को आपको इशू हो रहा है। तो अपन डेट वाइज एंट्री करेंगे तो पहले ये 4th जनवरी 2017 को हमने इशू किया है तो यहां लिखेंगे। चलिए इशू में आप देखिए, आपने इशू किया है 500, तो मैंने ये 500 लिखा। अब ये 500 आप किस रेट पे इशू करोगे? तो आप देखिए, आपके पास 2000 स्टॉक था और क्या रेट था उसका? 1। तो उसी रेट में अपन आगे इशू करेंगे तो ये आपका रेट लगेगा 1 रुपीज। तो अमाउंट कितना हो गया? 500 मल्टीप्लाई। चलिए अब बैलेंस बताइए मुझे। आपके पास पहले 2000 था, 500 आपने इशू कर दिया तो आपके पास 1500 स्टॉक बचा। रेट 1 रुपीज ही है और आप 2000 में से इसे माइनस करेंगे तो भी 1500 आएगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1500 आएगा। ठीक है, तो आप इसमें से हमेशा माइनस कर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, 5th को अब ये भी मैंने बताया था रिसिप्ट हो रहा है, तो ये 5th को रिसिप्ट हो रहा है 3000 और उसका रेट आप देखिए आपको दे रखा था 1.40। मल्टीप्लाई आप जब इसे करेंगे तो ये आपका 4200 आ गया। अब इस दिन हमने अभी कोई भी इशू नहीं किया है तो इशू नहीं किया तो डैश। बैलेंस बताइए, 1500 तो पहले से ही बैलेंस हुआ है और ये 3000 हमारे पास और आ गया। तो यहां ध्यान रखिएगा, आप क्या करते हैं इस तरह से शो करते हैं, 1500 तो आपके पास पहले से 1 रुपीज वाला है और अभी अभी आपके पास 3000 और आया है, उसका रेट 1.4। इस तरह से आप शो करेंगे उसे। ठीक है, आप इस तरह से इसको अलग अलग ये जो है वो शो कर देंगे और अमाउंट आप टोटल लिख सकते हैं। जैसे ये 1500 था और ये आपके पास और आ गया तो प्लस कर दो 5700। 1500 का पहले से था, 4200 और आ गया, प्लस कर दिया। ठीक है, तो रिसिप्ट हो रहा है तो प्लस कर देंगे, इश्यू हो रहा है तो माइनस कर देंगे। चलिए 5th जनवरी तक हमारा काम हो गया। उसके आगे क्वेश्चन में देखिए, 5th के बाद 7th को हम इश्यू कर रहे हैं 2000, तो ये 7th को इश्यू कर रहे हो 2000। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2000 इशू कर रहे हैं। अब देखिए, हमारे पास 1500 तो स्टॉक 1 रुपीज रेट वाला है और 3000 1.4 वाला है। आप कौन सा इशू करोगे? आपको दिया है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब हम फर्स्ट वाला पहले करेंगे। अब हमें 2000 इशू करना है तो 1500 तो हम ऊपर वाला करेंगे तो उसका रेट तो 1 रुपीज लगेगा, बाकी जो 500 है बैलेंस वो आपको इसमें से करना होगा 1.4। यही बस केवल समझने वाली बात है, दोबारा समझिएगा। आप 2000 क्वांटिटी इशू कर रहे हो तो 2000 कहां से करोगे? 1500
पहले वाला इशू करोगे और बाकी 500 जो है वो इसमें से इशू करेंगे। तो ये फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले वाला पहले इशू किया। अगर यहीं पर सपोज आपका लीफो मेथड होता, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट में आप ये देखिए लास्ट में पहले, इसमें से पहले करते 2000, तो पूरा 2000 इसी में से इशू हो जाता है 1.4 का। ठीक है, चलिए अभी तो अपन फीफो कर रहे हैं, इशू कर दिया। अब इसका आप टोटल करके यहां पर लिख देंगे, इसका टोटल करेंगे तो 1500 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे और जब आप टोटल करेंगे तो ये आ गया 2200। अब बैलेंस देखिए 1500 तो आप इशू कर चुके हो तो वो तो जा चुका है, 3000 में से आप 500 इशू कर चुके हो तो कितना बचा 2500, ये वाला जा चुका है और इसमें से भी 500 जा चुका है तो 25। इसकी जो रेट थी वो 1.4 है, उसी में से बचा है। अब इसमें से आप ये माइनस कर दोगे या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों आंसर सेम आने चाहिए, तो आप चैट भी कर सकते हो। तो ये जो बैलेंस आएगा आपका, ये आएगा आपके 2900। ठीक है, ये आपने 7 जनवरी तक काम कर दिया है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप यहीं पर स्टॉप करके पहले यहां तक क्वेश्चन करें, पूरा वीडियो एक साथ न देखें, यहां पॉज करें और यहां तक काम करें, फिर उसको रिज्यूम करके आगे का प्रोसेस करें। एक साथ पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप देख के और करते जाइएगा। ठीक है, चलिए उसके आगे देखिए। 10th को आपने रिसिप्ट किया है 2000, तो ये 10th को आपने 2000 रिसिप्ट किया है और रेट उसका है 1.50, मल्टीप्लाई करते हो तो 3000 होता है। इस दिन आपने कोई इशू नहीं किया, बैलेंस देखिए 2500 तो पहले से ही है, उसकी रेट तो 1.40 है और अभी अभी आपके पास 2000 और आ गया और उसकी रेट 1.50 है। ऐसे लिखते हैं, पहले वाला बैलेंस है और अभी और आ गया, इसमें ये आप प्लस कर दोगे 5900, आपका बैलेंस आ गया। उसके आगे देखिए, कुछ गड़बड़ हो गई है इसमें, ये आपका शायद 3500 आएगा, ये जब करेंगे आप तो 3500 आएगा और जब ये प्लस अपन करेंगे इसमें तो ये 6500 आएगा। जब आप इसमें से इसे माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 आएगा। ठीक है, फिर ये आपका आया तो 6500। चलिए आगे बताइए, 10th के बाद, 10th के बाद 15th को आप इशू कर रहे हो 3000। अब 3000 देखिए कहां से इशू करोगे भाई, इनमें 2500 तो ये करेंगे, इसका रेट तो यही लगेगा, बाकी 500 इसमें से करना पड़ेगा क्योंकि हम फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो 2500 जब हमने इशू किया उसका रेट 1.4 और इसमें से फिर 500 करना पड़ेगा क्योंकि टोटल 3000 कर रहे हैं अपन, उसका रेट 1.50। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो गया 4250। इसको इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। चलिए 2500 आप इशू कर चुके हो, 2000 में से 500 इशू कर चुके हो तो केवल 1500 बचा है और उसकी रेट 1.50 है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो या इसमें से इसे माइनस करो, 2250 आएगा। ठीक है, 15th के बाद नीचे देखिए आप, 20th को फिर 20 तारीख को फिर रिसिप्ट किया आपने और रिसिप्ट आपने किया है 3000 और उसका रेट है 1.80, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5400 आ जाएगा। इस दिन हमने कोई इशू नहीं किया, बैलेंस हमेशा पहले प्रीवियस वाला लिखते हैं और फिर जो अभी आया वो भी। तो ये 1500 जो है वो तो 1.50 और
ये 3000 जो है वो अभी अभी आया है, उसका रेट है 1.80। आप दोनों को प्लस कर दोगे, इसमें ये प्लस करोगे, ये आएगा 7650 टोटल आ गया। ये बैलेंस है, इसमें आपने ये प्लस किया। 20th के बाद देखिए आप, लास्ट 25th को हमने इशू किया है, अब 25th को जो इशू किया है वो किया है 2500। देखिए कहां से करेंगे, 1500 तो ये करोगे और बाकी जो 1000 है बैलेंस वो यहां से करेंगे, तो 1500 जो है उसकी रेट आपके 1.50 है और बाकी 1000 जो है उसकी रेट 1.80 है। ठीक है, अब इसका आप टोटल करेंगे, तो आप इसका टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4050। बैलेंस की बात करें तो देखिए, इसमें से ये तो इश्यू हो चुका है, 3000 में से 1000 इश्यू हो चुका है, तो आपका 2000 जो है वो बैलेंस बचा और उसकी रेट है 1.80। मैंने कहा था इसे आप मल्टीप्लाई कर दो या इसमें से ये जो इश्यू है माइनस कर दो, आपका आंसर सेम ही आना चाहिए। तो आपका जो बैलेंस है लास्ट में वो ये आपका आंसर है। आपके पास बैलेंस जो है वो 2000 केजी है, उसका रेट 1.8 है, टोटल अमाउंट 3600 है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, जैसे मैंने कहा पूरा वीडियो एक साथ न देखें, स्टेप बाय स्टेप आप उसे देखते जाएं और सॉल्व करते जाएं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो रिमाइंड करके फिर एक बार दोबारा देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी है और इम्पॉर्टेंट भी आपके है मेटेरियल कंट्रोल या इश्यू ऑफ मेटेरियल चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब इसी में आप, इसी चैप्टर क्वेश्चन में आप एक बार लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट भी ट्राई कीजिएगा, ये आपका काम है इसमें। और उसमें केवल डिफरेंस मैंने बताया था, जैसे आपके पास ये मेटेरियल है तो लीफो में आप लास्ट वाला पहले इश्यू करते हो उसके बाद ऊपर आते हो, तो आपका ये टास्क है कि आप पहले इसको फीफो से करें और फिर इसे लीफो से करें। और उसका मैं आंसर आपको बता रहा हूं, आपके पास जो लास्ट में बैलेंस बचेगा, जैसे 2000 बैलेंस है तो उसमें भी 2000 बचेगा, लेकिन लीफो में उसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 1500 केजी जो है, या यूनिट जो आपको दे रखी हैं, और एक आपके बचेगा 500 यूनिट्स। इसका रेट तो आपका आएगा 1.80 और इसका 1 रुपीज। टोटल जब आप कीजिएगा तो 2400 आपका आंसर आएगा। ये जो आंसर है ये लीफो मेथड से है, लास्ट इन फर्स्ट आउट से। तो आप सबसे पहले फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसे करें और फिर ये भी आप करें और उसका ये आंसर आना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर किसी में आपका ये आंसर आया है या नहीं आया। आया है तो यस, हाँ आपका आंसर आ चुका है वो बताएंगे, और नहीं आया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है वो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।